मोटर तीन प्रकार का होता है सामान्यतः, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। हम इसमें देखेंगे सीरीज मोटर का अभिलाक्षणिक गुण किनके किनके बीच खींचा जाता है, तार एंड आर्मेचर करंट के बीच, तार एंड स्पीड के बीच, स्पीड एंड आर्मेचर के बीच, आर्मेचर करंट के बीच। तो पहला केस हम लोग लेंगे तार एंड आर्मेचर करंट के बीच। ये सीरीज मोटर हम बना दिए, मोटर में करंट अंदर की तरफ जाएगा, तो इसमें जो भी ये लाइन करंट होगा वही फील्ड में जाएगा और वही आर्मेचर में जाएगा। तो ये सारी करंट, चाहे लाइन करंट बोल दे, चाहे आर्मेचर करंट बोल दे, चाहे फील्ड करंट बोल दे, ये कहीं हुआ क्योंकि सब ये कहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर होता है। मैकेनिकल पावर टी इंटू ओमेगा होता है, जो कि उसको घुमाएंगे टॉर्क देंगे तो रोटेशन करेगा, तो उसके लिए ओमेगा घुमाएंगे फोर्स देंगे तो टॉर्क आ जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी हमारी ईबी इंटू आई ए, क्योंकि आर्मेचर में जो उत्पन्न होता है वो बैक ईएमएफ होता है और उसमें धारा बहेगी तो आई ए हो जाएगा, तो ईबी इंटू आई ए। अब टी की जगह ऐसे उतार देंगे और ओमेगा की जगह होता है 2πr/60 और ईबी क्योंकि बैक ईएमएफ का फार्मूला होता है डीसी जनरेटर में ZP πr/60 है, तो जो जनरेटर में लगेगा वही मोटर में भी होता है ईएमएफ का, और इंटू आई ए इसे निकाल लेंगे तो n से n कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, बचा कितना ZP π/2πa(φ)(ia), इस पूरे को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे तो k आ जाएगा, अब φ की जगह φ, i की जगह ia, तो टार्क की डायरेक्टिंग फोर्स k φ ia रिलेशन आ गया। उसके बाद से अब यहाँ पे आते हैं, तो टार्क की डायरेक्टिंग k φ ia, तो टार्क की k, अब यहाँ पे φ जो करंट होगा ना वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जिस मात्रा में करंट इसमें बहेगा फील्ड में उसी मात्रा में फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, करंट जितना प्रवाहित होगा उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्स भी पैदा होगा, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, इसको हम आइए बोलेंगे आइए, क्यों, क्योंकि आर्मेचर में जा रहा करंट ना, तो आर्मेचर करंट इज डायरेक्टली टू फाई, तो हम आई फाई की जगह आई ए रख दिए और आई ए पहले से था तो आई ए आई ए मिल के आई ए स्क्वायर बन गया, तो टार्क इधर के फाई आई ए, टार्क इधर में आई ए स्क्वायर, ये पैराबोलिक बनेगा इसका ग्राफ। जब हम डिजाइन कर दिए हैं एक तरफ लोड करंट आर्मेचर करंट दिखा दिए, एक तरफ टार्क दिखा दिए और इसका ग्राफ पैराबोला बन जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर आया है, बस इतना ही था। आगे हम लोग देखेंगे टार्क और स्पीड का कर्व।